हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक सनस्क्रीन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और सनस्क्रीन तो जैसे सबको लगाना ही है, कुछ भी हो जाए, ट्रीटमेंट ले रहे हो नहीं ले रहे हो, स्किन पे कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सनस्क्रीन तो लगाना ही है। चाहे आपके आसपास धूप है या नहीं है, सनस्क्रीन अप्लाई करना ही करना है। इसीलिए आज के वीडियो में एक सनस्क्रीन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। वो है VLCC का सनस्क्रीन, जिसमें 30 SPF के साथ है। और इसको यूज़ करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले, सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये है VLCC मैट लुक SPF 30 सनस्क्रीन जेल, जो कि 50 ग्राम की पैकेजिंग में आता है, 100 ग्राम की पैकेजिंग में आता है। 100 ग्राम का प्राइस 345 है। आफ्टर डिस्काउंट 200-250 के अराउंड आपको ये मिल जाता है। ये एक नॉन ग्रीसी टिंटेड सनस्क्रीन जेल है। क्रीम कंसिस्टेंसी में है, जो कि इजीली ब्लेंड हो जाता है स्किन टोन के साथ। ये जो प्रोडक्ट है, ये क्लेम करता है कि ये आपके यूवीए यूवीवी रेस से प्रोटेक्शन देगा, प्री मैच्योर एजिंग टैनिंग की प्रॉब्लम को, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ये दूर करता है। ये जो सनस्क्रीन जेल है, इसमें सेरामाइड और सेक्सी फ्रेगा एक फ्लावर होता है जो कि स्किन के लिए अच्छा होता है। कैरेट एक्सट्रैक्ट जो कि जिसमें बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, स्किन के लिए अच्छे होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, जो कि आपको एक फ्रेश लुकिंग स्किन और इवन टोन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये टिंटेड है, थोड़ा सा फाउंडेशन वाला लुक आता है, तो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ इसको यूज़ ना करें। प्रोडक्ट के बारे में तो आपने जान लिया, अब बात करते हैं कि मुझे इसको यूज़ करके कैसा लगा। तो मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे इस टाइप के सनस्क्रीन बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, जो टिंटेड हो, जिनका टेक्सचर क्रीमी हो। ये क्रीमी है, इसमें टिंट भी है। तो मैंने जब इसको यूज़ किया, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मुझे ऑयली लगने लगी, ग्रीसी लगने लगी, स्वेटिंग होने लगी स्किन पे, एक हैवीनेस हो जाती है ना कुछ चीज़ों को लगा के। इसको लगाने के बाद ऐसा हो रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैंने इसको एक दो महीने तक यूज़ किया। मैंने एक दो बार इसको यूज़ किया, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती ना, तो मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि मुझे इस टाइप के सनस्क्रीन यूज़ करने ही नहीं चाहिए। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये सनस्क्रीन अच्छा नहीं है, मेरी स्किन पे सूट नहीं करता है। मुझे जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल इस सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, और एक्टिव एक्ने हैं, तब तो बिल्कुल इस सनस्क्रीन को आप यूज़ ना करें। वैसे तो ये पैराबेन फ्री है, पर इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखोगे तो इसमें तमाम केमिकल्स हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देख के तो मैं कहूँगी कि सेंसिटिव स्किन है, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन में बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। टिंट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है। मुझे ऐसा लगा कि स्किन टोन के साथ मैच नहीं करता है। जब आप कोई सस्ता सा फाउंडेशन, चीप क्वालिटी का फाउंडेशन यूज़ करते हो, तो जैसा लुक आता है, वैसे ही इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद, जो इसका टिंट है उसको लगाने के बाद, वैसा ही लुक आता है। और तो मुझे ये सनस्क्रीन बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे स्किन पे तो बिल्कुल सूट नहीं कर किया इसने। और मैं बिल्कुल कहूँगी, एक्टिव एक्ने ऑयली स्किन है, इसको यूज़ नहीं करो, पैसे बर्बाद होंगे आपके और कुछ नहीं होगा। पर अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप एक ऐसा सनस्क्रीन चाहते हो जो सन से प्रोटेक्शन करे आपकी, मॉइस्चराइज करे स्किन को, टिंट भी दे, तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। और ईज़िली ऑनलाइन ऑफलाइन ये कहीं भी मिल जाता है, तो आप बिल्कुल इसको परचेज़ कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं आया, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसको लेना ही चाहिए, क्योंकि जितने प्राइस में ये मिलता है, उस प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे सनस्क्रीन मिल जाते हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं और जो स्किन पे अच्छे से काम भी करते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।